बुनकरों की विद्युत कटौती के संदर्भ में विधान परिषद सदस्य अशोक धवन ने विद्युत विभाग संग बैठक की। विद्युत विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक बुनकरों की बिजली काट दी गई है। इन बुनकरों ने पिछले 5 महीने से बिजली का बिल नहीं जमा किया था। विभाग ने कच्चीबाग, आदमपुर, कोयला बाजार, मछोदरी इत्यादि क्षेत्रों में अभियान चलाया था, जिस पर विधान परिषद के सदस्य अशोक धवन ने सर्किट हाउस में बुनकरों की समस्याओं को लेकर जिले के बिजली विभाग के सभी XNO, अधिशासी अभियंताओं, टेक्निकल इंजीनियर्स इत्यादि के साथ बैठक की। अशोक धवन ने बताया कि पूर्वांचल में कृषि के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो है पावरलूम। वाराणसी की सारी अर्थव्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर रहती है। सन 2006 में उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में पावरलूम लगे, इस पर तत्कालीन सरकार ने फ्लैट रेट पर बिजली देने की घोषणा की थी। दिसंबर 2019 में सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया तो इस पर कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसे लेकर हम लोग लखनऊ गए थे, सरकार से बात की थी, जिस पर सरकार ने तुरंत कहा था कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली दी जाएगी। इसकी घोषणा बुनकरों के प्रतिनिधियों के बीच भी की गई थी, लेकिन शासनादेश नहीं आ पाया था, इसलिए बुनकरों के ऊपर बिजली का बकाया होने लगा। उसी के संदर्भ में बैठक की जा रही है और बुनकरों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। बैठक किया गया है और क्या है? देखिए, पूर्वांचल में कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वो है हैंडलूम और पावरलूम का। वाराणसी की सारी अर्थव्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर करती है। सन 2006 में उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में पावरलूम लगे, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली देने की घोषणा की थी। 75 रुपया पर किलोवाट चार्ज किया जाता था। 2019 में दिसंबर के अंदर सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किया और तब से ये डिस्टर्बेंस पैसा हुआ, तो हम लोग लखनऊ गए थे और सरकार से बात की तो सरकार ने ये एग्री कर लिया कि बुनकरों को फ्लैट रेट में ही बिजली दी जाएगी, और इसकी घोषणा बुनकर प्रतिनिधियों के बीच में उन्होंने की भी, लेकिन उसका शासनादेश नहीं चुकी आ पाया था, इसलिए बहुत सा कन्फ्यूज़न रहा और बुनकरों के ऊपर बकाया दिखाई देने लग गया। बिजली विभाग ने भी अपने कार्यालय से निर्देशित किया कि जब तक इसका मामला तय न हो जाए तब तक बिजली को न काटा जाए। इधर कुछ दिनों से बिजली काटी जा रही थी, तो बिजली विभाग के अधिकारियों से यह आग्रह करके कि आज सभी अधिशासी अभियंताओं के साथ हम लोग बैठे और बैठ के आपस में बात करके सभी अधिशासी अभियंताओं ने और बड़े अधिकारियों ने यह तय किया, लखनऊ भी बात की, कि 143 रुपये पर किलोवाट जो चार्ज पुराना है उसी के अनुसार बुनकरों से बिजली का बिल लिया जाएगा और हम लोग कैंप लगवाकर बिजली का बिल हर बुनकर से जमा करा देंगे। ये आपस में तय हुआ है और ये प्रयास हम करेंगे जाकर लखनऊ में भी कि जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए जिसके कारण असमंजस की स्थिति समाप्त हो जाए। ये आज माननीय विधायक जी ने ये बात बताई कि एक बैठक हम रखना चाहते हैं और उसमें जो है बनारस की विद्युत आपूर्ति और इसकी संबंधित बातों को चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने वेसु के समस्त अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं को मैंने यहाँ विधायक जी के सम्मुख जो है एक बैठक रखी गई कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति विद्युत व्यवस्था के बारे में हो रहे हैं, और उसी में ये चर्चा के दरमियान तो आदरणीय विधायक जी ने संतोष व्यक्त किया विद्युत व्यवस्था की चर्चा पे। ट्रांसफार्मर समय से बदले जा रहे हैं और बिजली की अच्छी गुणवत्ता है और समय से ब्रेकडाउन अटेंड किए जा रहे हैं। बुनकरों की समस्या लोगों ने माननीय विधायक जी ने उठाया, तो इस पर मैंने निदेशक वाणिज्य है श्री OP दीक्षित जी, उनसे माननीय विधायक जी की वार्ता कराई, तो उसमें ये तय हुआ कि जो बुनकर का फ्लैट रेट है और वो फ्लैट रेट वो जमा करेंगे और तब तक के लिए जब तक शासनादेश आ नहीं जाता तब तक वो जो है उनका विद्युत विच्छेदन न किया जाए, ऐसा उन्होंने निर्देशित किया। और उनके संज्ञान में भी है श्री OP दीक्षित जी के कि शासन स्तर पर इसमें वार्ता चल रही है फ्लैट रेट के संबंध में और इस पर शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है।